ओम ज्ञान विराम नस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। शंकरशरणकारणोत्तरसाय गर्भोदसाय च भयभक्तिसाय शेषांशजस्यांश सकला सनितानन्दाक्षरामं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम श्री गुरुदेव नित्यलीला पर विष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सतस्ती श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राज आचार्य चतुर्दंड स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंड पादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण मेरा यथाजोग्य प्रणाम स्वीकार। हम लोगों का परम सौभाग्य दीजिए, आप लोगों ने तीन तीन दिन तक हमारे गौड़ीय संप्रदाय के रसाचार्य व गौड़ीय संप्रदाय जिसके लिए दूसरे दूसरे संप्रदाय से भी गौड़ीय वैष्णव का जो विशेष महत्व जिनको ले करके श्री रूप गोस्वामी पाद हम लोग तीन तीन दिन तक उनको विषय पर बड़े गंभीर रूप में विवेचना हम लोगों ने श्रवण किया है। इसलिए ये जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि किसके कारण है, जैसे पुराण में बताया श्रुति स्मितरे स्मृति मितरे भारत मन्य भविंतु भजंत भविता आम ही नंदम बनते जैसा लिंदे परम ब्रह्म। कोई भले इस स्मृति का श्रुति को कोई वंदना करे, कोई इस स्मृति को वंदना करे, लेकिन मैं किसको वंदना करता हूँ, कहते नंद बाबा। बोले क्यों, जिनका अंगना पर स्वयं परात पर परम ब्रह्म कृष्ण गुठन पर जब किलकारी मारते हुए खेलते हैं, उसी तरह भले ही कोई दूसरे दूसरे के वंदना करे, लेकिन हम किसको वंदना करते हैं, कहते हम वंदना हमारे श्री गुरु महाराज जी को हम वंदना करते हैं, क्योंकि इनका ही कृतित्व है। मुझे लगता है हम लोग जो तीन तीन दिन तक केवल एक विषय पर, कोई अलग विषय नहीं, केवल एक विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण से हम लोग जो रूपानुगत्व और ऐसी रूपानुगत के वजह से हमारा संप्रदाय का इतना महत्व है, इन विषय पर अगर कोई तीन तीन दिन तक श्रवण करे तब क्या होगा, जरूर उसका हृदय में कुछ ना कुछ लोभ जरूर प्रकट होगा। और हमारे शास्त्र में इसी लोभ को ही मूल रूप में बताया गया है, लोभ ही वो प्रादान का रूपानुगा भक्ति को प्राप्त करने का केवल एक ही। इसलिए तत्र लवल्य में कलम कोटि सुकृत अपना लभ्यते, करोड़ करोड़ सुकृतों के द्वारा जो वस्तु प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये लोभमय भक्ति ऐसे है जो आसानी से ही वो दुर्लभ वस्तु को हमें प्रदान करता है। इसलिए इसका जो मूल रूप में इसमें हमारे महाराज जी का ही ये विशेष है। मुझे लगता है पृथ्वी में कहीं भी आप विश्व ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, ये रूपानुभव श्री रूप गोस्वामी को विषय पर हम लोग जितना श्रवण किया शायद किसी ने इतना श्रवण नहीं किया। ये कृतित्व हमारे श्री महाराज जी का ही है। इसलिए आज उसी कड़ी में ही आज श्री बलदेव प्रभु का आविर्भाव है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्ण सर्व अवतारी वो स्वयं भगवान। और बलदेव प्रभु कौन है उसका तो दूसरे विग्रह, कृष्ण ही स्वयं बलदेव रूप में एक ही स्वरूप देह मात्र है, तत्व तो वो एक है लेकिन केवल कृष्ण देखने में काले और श्री बलदेव प्रभु देखने में केवल गोरे हैं, कितना मात्र ही भेद है। इसलिए हमारे श्री वृंदावनदास ठाकुर जब वे चैतन्य भागवत वर्णना करते हैं वो मंगलाचरण श्लोक में कहते हैं, उसमें क्या बताए, कर आज अनुलंबित भुजो कनका बदा दो संकीर्तन एक पितरो कमलायताक्षो विश्वम धरो द्विज बरो जुग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। तो वे श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु को वंदना करते हुए नियम है अपना गुरु जी को वंदना करें, इसलिए श्री बलदेव प्रभु श्री श्री वृंदावन दास ठाकुर एक श्लोक को द्वारा श्री प्रभुपाद इसी विषय पर प्रभुपाद अमृत भाषा में कहते हैं, यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर दिखा रहे हैं कहते मेरे जो गुरुदेव श्री नित्यानंद श्री बलदेव प्रभु वो कैसे महाप्रभु से अभिन्न है। इसलिए यह श्लोक में द्विवचन द्विवचन प्रयोग उन्होंने किया है, उसमें कृष्ण से महाप्रभु से अभिन्नत्व को श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु को दिखा रहे हैं। इसलिए आजान लंबी तो भूजो, यहाँ दो वचन है जिनका भूज आजान लंबी तो भूज है, कनका बदा दो महाप्रभु जैसे कनक श्री बड़ श्री नित्यानंद प्रभु भी कनक गौर शरीर है, हाँ। और उसी श्लोक कनका बदा दो दीजो बरो जुग धर्म पालो, इसमें दो दो वचन रूप से दिखा रहे हैं महाप्रभु में जो जो चीज है वो सब के सब नित्यानंद बलदेव प्रभु में ठीक वही पूर्ण है। इसे प्रभुपाद इसी श्लोक को पर में विस्तृत व्याख्या प्रभुपाद करते हैं, इसलिए केवल क्योंकि कृष्ण से अभिन्न श्री बलदेव प्रभु, श्री बलदेव प्रभु किसी ने और राम से नहीं रचाया केवल कृष्ण को छोड़ करके, इसलिए और किसी को नहीं माना जाता है किसी अवतार में लेकिन श्री बलदेव प्रभु राम से रचाए। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत का पहले ही वो स्थापन करना चाहते हैं, कभी उन्होंने मधुर माधव दो महीना में श्री बलदेव प्रभु राम घाट पे प्रभु ने रास रचाया, क्योंकि कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है और किसी अवतार ने ये रास नहीं की है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु जैसे जो मूल जो बलदेव कहते जब वे वृंदावन में रहते हैं कृष्ण जैसे वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, कृष्ण जैसे वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, कहते उसी तरह का श्री बलदेव बलराम प्रभु बलदेव प्रभु वो भी वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते। अक्रूर घाट से ही कृष्ण जैसे लौट गए जो मूल जो ब्रजेंद्र नंदन, उसी तरह जो रोहिणी नंदन वो भी ब्रज में वापस आ जाते हैं। अब जो देवकी नंदन थे कहते यही से ही अक्रूर घाट से देवकी नंदन मथुरा में जाते हैं, लेकिन जो ब्रजेंद्र नंदन और श्री रोहिणी नंदन यहीं से वो वापस चले जाते हैं। और सी ये जब ये ब्रज में रहते हैं कहते इनका अस्त्र है कहते बेणु इनका, हाँ बेणु श्रृंगार है, लेकिन जब वो मथुरा बाद द्वारका में जाते हैं उसी समय इनका जो अस्त्र है कहते हाल और मुसल है। इसलिए कहते हाल मुसल को द्वारा क्या करते हैं, कहते हाल को द्वारा खेती किया जाता है, अब मुसल से जो बड़े बड़े जो मिट्टी होता है उसको मार मार करके उसके तब मुलायम बना दिया जाता है, जैसे उसमें अंकुर हो बीज का अंकुर हो, क्या उसी तरह श्री बलदेव प्रभु भी जीव का हृदय में खेती करते हैं। क्या यहाँ पर हमारा हृदय बलदेव प्रभु क्या खेती कर रहे हैं, क्या यहाँ पर इसलिए गुरुपाल पद्म को दो स्वरूप माना गया है, एक में तो जीव की खेती करते हैं, जीव की खेती और जीव के हृदय में जो खेती करते हैं जैसे गुरुपाद पद्म रूप में, हाँ कहते गुरुपाद पद्म को बलदेव नित्यानंद प्रभु का अभिन्न स्वरूप माना जाता है, इसलिए गुरुपाद पद्म रूप में बलदेव प्रभु हरि कथा के माध्यम से जैसे श्री रूप गोस्वामी को श्रीमद चैतन्य महाप्रभु रूप शिक्षा में
ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवाद जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। और वो भक्ति लता बीज को ही श्री नित्यानंद प्रभु अभिन्न गुरुपाद स्वरूप में हरि कथा सुना करके वे हमारा हृदय को मुलायम बना देते हैं, एकदम कोमल बना देते हैं, जिस हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी बीज जैसे अंकुरित हो। और गुरुपाद स्वरूप में ही प्रदे प्रभु आदो श्रद्धा तथा साधु संग अत भजन क्रिया अनंत निवृत्त रूप गोस्वामी जी उसका क्रम बताए। ये चीज को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ये ब्रह्मांड को भेद करते वैकुंठ वैकुंठ को भेद करके फिर द्वारका मथुरा और लास्ट गोलक वृंदावन तक कौन पहुंचाते हैं। और जो प्रेम रस को जीव आस्वाद में करना है कि काम को कौन करते हैं, कहते गुरुपाद पद्म रूप में ये बलदेव प्रभु ही करवाते हैं। इसलिए और जो खेती कभी ये जीव का भी खेती करते हैं, कभी कैसे कहते जो वृंदावन में जब रहते हैं कभी कृष्ण का जितने परिकर है ये कहते श्री बलदेव प्रभु का ही ये प्रकाश है। और जो वृंदावन में रहते हैं और उनको बताया नहीं कि माया जगत क्या होता है, वो नित्य कृष्ण सेवा में डूबे हुए होते हैं, जो बलदेव प्रभु से जो जीव प्रकट होते हैं। और श्री द्वारका में शंकर सेन से जो प्रकट होते हैं मूल शंकर सेन से, फिर वो भी कृष्ण सेवा में तक परिकर रूप में वहां भी कृष्ण सेवा करते हैं। और वैकुंठ में जो जो महाशंकर सेन से जो जीव प्रकट होते हैं कभी ये वैकुंठ में ये भी प्रभु नारायण की सेवा में वहां भी डूबे रहते हैं। लेकिन और एक रूप में जो गर्भोदय विष्णु कानोदय विष्णु कहते वहां से जो जीव प्रकट होते हैं वहां जब बलदेव प्रभु खेती करते हैं कहते वहां से दो तरह का जीव प्रकट होते हैं, कहते एक बद्ध है और एक मुक्त है। कुछ जीव तो माया के तरफ में देख करके माया की साक्षीकरण देख करके जैसे हम लोग हैं हम तो ये माया जगत में आ गए और कुछ जीव प्रभु के सेवा में चले गए। इसलिए वो विभिन्न जगह में जीवों का खेती करते हैं, इसलिए उनके हाथ में ये हाल और ये मुसल है। और मुसल के द्वारा जैसे एकदम बड़े बड़े जो मिट्टी को उसको मार मार कर कोलारी बना देते हैं, उसी तरह गुरुपाद पद्म भी अपना बाणी रूपी तलवार के द्वारा, इसलिए संत एवास छिंदंती मन व्यास संग्रहोक्ति, गुरुदेव अपना बाणी रूपी तलवार के द्वारा हमारे अनर्थ को काट देते हैं। इसलिए श्री गौरकिशोरदास महाराज बोलते हैं कभी शुद्ध वैष्णव का जो कथा कभी हमारे मन के अनुकूल कभी नहीं होगा, उनका कथा नहीं एक तलवार है। हम हर समय ये विषय का प्रति हम दौड़ते हैं, हम विषय भोग करने के लिए, लेकिन गुरुपाद पद्म क्या करते हैं बाणी रूपी तलवार के द्वारा उसको काट करके हमारे आसक्ति को संसार से हटा करके भगवान का चरण में लगा देते हैं। इसलिए गुरुदेव कभी कभी बोलते थे कल अगर मैं सच बात बताऊं ना फिर मेरे पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब चाहते जिसे वो हम संसार में मस्त रहे आनंद ले। इसलिए कभी कभी गुरुपाद पद्म भी एकदम हम बच्चे हैं भक्ति जगत में, इसलिए थोड़ी थोड़ी कभी कभी गुरुपाद पद्म हमारे मीठी मीठी बोली बोल करके जैसे ये धीरे 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 भजन में लगे, क्योंकि एकदम कठोर वाक्य बोलेंगे तो वास्तव में भागवत की कथा सुनना बहुत कठिन है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे भागवत कथा नहीं ये तो जय मंगल चाबुक है, इसे चाबुक प्रहार करते हैं। भागवत कथा गुरुपाद पद्म भी ये बाणी रूपी तलवार के द्वारा ये हमको मार मार करके हमारा सारे अनर्थ को हटा देते हैं। इसलिए इनका नाम बलदेव है। क्या बलदेव नाम क्यों कहते बल मतलब होता है बल, देव मतलब होता है बल की जो अधिष्ठात्री देव है, कौन सा बल की कहते आध्यात्मिक बल की। इसलिए श्री बलदेव प्रभु संधि शक्ति के मूल अधिष्ठात्र देवता है। जैसे सत्ता नहीं हो तो कोई खड़े नहीं हो सकते, आधार नहीं हो तो कोई खड़े नहीं हो सकते, उसी तरह बलदेव प्रभु के कृपा के बगैर हम भक्ति जगत में खड़े नहीं हो सकते। इसलिए हमारा हृदय में जो शक्ति देने वाले जैसे उत्साह निश्चा धर्चा तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागात सतवृत्ति सर्वभी भक्ति प्रसिद्धि, जब तक श्री गुरुपाद पद्म रूप में हमारे हृदय में वो उत्साह प्रदान नहीं करे, बलदेव प्रभु रूप में हृदय में जब जीव को उत्साह नहीं दे, हाँ
निश्चय सब देने वाले कौन है? कृष्ण बलदेव प्रभु जी हमारा हृदय में गुरुपाल पद्म रूप में कथा सुना करके हृदय में उत्साह देने वाले श्री बलदेव प्रभु है। इसलिए कहते नाया महात्मा बलहीन न लब्धम। जब तक हमारा अंदर में भक्ति के बल नहीं हो तब तक हम भगवत भक्ति जगत में हम चल ही नहीं सकते हैं। इसलिए जितने ही सारे काम को ये बलदेव प्रभु करते हैं, कभी ये राखी बांधते हैं, राखी क्या है? हम सबके सब राखी बांध रहे हैं, राखी क्या है? राखी मतलब होता है रक्षा करना। इसलिए ये राखी जो हाथ में बांधती है कौन है? कहते श्री बलदेव प्रभु है। हमको कौन रक्षा करता है? किसी बलदेव प्रभु ही गुरुपाद पद्म रूप में बलदेव प्रभु हमको ये भगवत भक्ति जगत में भगवत कथा सुना करके रक्षा करते हैं। इसलिए रक्षा से इसका नाम राखी है। इसलिए इनका एक स्वरूप श्री अनंत देव है। इसलिए श्री बलदेव प्रभु वे बहु रूप में भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए श्री बलदेव प्रभु सर्वप्रथम वे जो वध करते हैं वो धन का स्वरूप वध किया सर्वप्रथम। और उन्होंने जो प्रकट हुए कहते सप्तम गर्भ में प्रकट होते हैं, अष्टम गर्भ में कृष्ण आते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वहां बताते हैं कृष्ण की बलदेव प्रभु सप्तम गर्भ स्वरूप बैठा हुआ है जो कि अज्ञान अज्ञान का प्रतीक है। इसलिए भागवत में बताया सुबी बरहा पुष्ट्र करई संस्तुत पुरुष पशु न जत कर्ण पथ वेद जातु नाम गदा करे। कहते जिनको कान में भगवत कथा प्रवेश नहीं करते कहते वही गधा है। इसलिए हम बोलते तो क्या गधा है, ये काली गधा है। इसलिए हमारा अंदर में भी गधा पड़े हैं। इसलिए ये गधा के अंदर में बहुत बुरे बुरे इसके अंदर में गुण है। वो क्या करता है कहते पीठ के ऊपर में जितना महिला कमरा को ढो कर ले जाता है और उसको पीठ में दाल चावल सब्जी सब ढो करके लेता है, लेकिन खाने के लिए इसे कुछ नहीं मिलता, उसको भूसा खाना पड़ता है। हाँ, और उसी तरह श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा सही गाधा होए संसार बोझा बहीनो अनेक का। कहते हम एक संसार में गधा बन करके सारे संसार का भोजन तो हम भोग हो रहे हैं। गर्धर मता हम करी परिश्रम कार लागी ये तो करी ना कुछ लग रहा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं गधा जैसे दिन भर परिश्रम करता है हम भी उसी तरह से संसार में गधा जैसे दिन भर परिश्रम करते हैं जिसका फल हमें नहीं मिलता। कभी गधा कभी बरसात का समय में पतला हो जाता है और गर्मी में ही मोटा हो जाता है। बोले क्यों? कभी बरसात का समय में हर जगह हरा भरा घास से रहता और थोड़ी समय घास खाते ही पेट भर जाता है। वो पीछे मोड़ करके देखता है कितने दूर से मैंने घास खाया, अरे यहाँ से इतना दूर आकर पेट भर गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, इसलिए बरसात पतला। और वो गर्मी का समय पर मील दूर तक चलते से खाते खाते जाता है, घास तो है नहीं, पीछे मोड़ करके देखता है तो बाबा वहां से यहाँ तक हमने घास खाए, वो अपने आप मोटा हो जाता है। कहते गधा का फिर भी गुण है। उसी तरह हम भी संसार का हाँ संसार का विषय पर कुछ करके अपना जीवन को धन्य मानते हैं। हाँ, हमारा कितना जीवन धन्य है। इसलिए उन्होंने गधा शब्द बदल दिया है। और एक दो मिनट कहते उन्होंने दिव्य बंदर को उन्होंने बद किया है द्वारका लीला में। कहते दिव्य बंदर को क्यों बद किया? कहते कृष्ण लीला में ये दिव्य बंदर रामचंद्र की बड़ी सेवा की है, लेकिन रामचंद्र को तो भगवान मानते थे लेकिन लक्ष्मण को उसका दर्द किया है तो कुछ नहीं। इसलिए लक्ष्मण का प्रति उनका अनादर का भाव था। फिर वही रामलीला के बाद में जब कृष्ण राम ही कृष्ण फिर लक्ष्मण श्री बलदेव प्रभु के रूप में आए, जिस समय से बलदेव प्रभु अपना रमणी को लेकर विहार कर रहे थे उसी समय ये दिव्य बंदर दुष्टों का संगति में इसका धीरे 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 बदमाश बन गया। और उन्होंने बलदेव प्रभु का जो पत्नियों को तरह तरह उन्होंने छेड़खानी की उसी समय बलदेव प्रभु उसको उन्होंने बंद किया है। क्यों बंद किया? कारण क्या है? उन्होंने राम की इतना सेवा की, जब राम की सेवा की तब उन्होंने उनको बंद करने का क्या जरूरत था? कहते इसका नाम ही द्विवीत है। दुई मतलब दो और बीत मतलब होता है जानना। इसका मतलब है जो लोग भगवान से गुरुपाद पद्मों को भिन्न मानते हैं यही द्विवीत है। ठाकुर जी को तो बड़े प्रेम भक्ति करते हैं लेकिन गुरु जी का प्रति वैष्णव का प्रति कोई श्रद्धा भावना नहीं, तब यही सब द्विवीत बांधता है। इसलिए साक्षात हरिपुर समस्त शास्त्र जिनको साक्षात हरि रूप में बताया कृष्ण जिसको आचार्य मान पूजा दिया अजस्य देवे पराभक्ति
जथा देवे तथा गुरु, ये होनी चाहिए। इसलिए श्री बलदेव प्रभु को बंद करके सिखा दिया, और खबरदार कभी गुरुपाद पद्म को भगवान से भिन्न नहीं मानना, उनका इस भगवान ही कृपा करने के लिए ये अभिन्न रूप में, ये गुरुपाद पद्म रूप में ये आए हैं। कभी बलदेव प्रभु कृष्ण सेवा करते हुए संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि कभी कभी ये नहीं है, कभी कभी राम लीला में तृतीया युग में लक्ष्मण रूप में आए, लेकिन लक्ष्मण रूप में आकर कभी कभी ऐसे काम उनको कुछ करना पड़ा जो कि सेवक का धर्म का विपरीत था। जैसे सीता के लिए चिता सजाना, जैसे सीता को सारा जीवन के लिए राम से अलग कर जाना, ये लक्ष्मण काम किया है। इच्छा नहीं रहने पर भी उन्होंने रामचंद्र बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए मर्यादा को रक्षा करने के लिए किया, तभी से लक्ष्मण ने प्रतिज्ञा कर लिया, खबरदार कभी मैं और छोटा भैया बनकर नहीं आऊं। ये बड़ा हम समस्या में पड़ जाता हूँ। इसलिए जब फिर कृष्ण लीला में आए बलदेव बन कर गए, फिर जब महाप्रभु लीला में आए फिर निंदा बड़े बन कर गए। अभी प्रश्न होता है ये कौन सा धर्म है जो छोटे भाई बन करके आए सेवा करना पड़ा, फिर बड़े भाई बन गए, ये क्या जरूरत है? ये लगता है अकबर सी लगती है ना, कहते नहीं, ये तत्वतः सेवा की भावना के लिए, उनको सेवा ज्यादा से ज्यादा करे, हम कर इसी भाव से आए और किसी दूसरे भाव से नहीं आए। इसलिए श्री बलदेव प्रभु कृष्ण सेवा में दस शरीर से और पंच रस से उन्होंने सेवा किया है। कृष्ण का आसन व्यंजन छत्र आवास ये सब के सब बलदेव प्रभु और जितने सारे पंच रस में, सारे रस में सेवा करके भी तृप्ति नहीं हुए, फिर उसको मधुर रस में आनंद मंजर रूप में, हाँ जानवा देवी रूप में गोपीनाथ और बाम साहब में हर समय अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन बन करके उन्होंने श्रृंगार रस के पूर्ण सेवा की। इसलिए बलदेव तो बहुत बोलने का ऐसा था, इसलिए ऐसे बलदेव प्रभु की ये अफाम परा महिमा है, लेकिन यही बलदेव प्रभु ही श्री गुरुपाद पद्म रूप में हमारे सामने साक्षात हो गए। उन्होंने ही सब कुछ बोल दिया तो दूसरे क्या बोले? महाराज बहुत बाकी है।